बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि मैंने रजाइयाँ वगैरह तो भरवा ली हैं पेंजे से, जो छाड़े नीचे वाले थे वो तो डाल दिए उनमें रूम, जो ऊपर वाले छड़े वगैरह बनाए हैं ये अभी सिलाई करने वाले हैं। आज मैं ये सिलाई करती हूँ, ये कुछ मैंने सिलाई कर ली है और कुछ रहती हैं। अब ये कवर ऊपर वाले पहले सिलाई कर लूँगी, फिर बाद में इस तरह जो जो काम आस्ता आस्ता हो सका वो कर लूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ एक दफ़ा तो होता नहीं है, इस तरह आस्ता आस्ता ही होगा। तो अब पहले मैं ये कवर सिलाई करती हूँ। और इसी के साथ सब बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने हमारे मेरे चैनल तहरा आपी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ अब मैं करती हूँ काम शुरू। अब मैं सिलाई करना शुरू करती हूँ। क्योंकि गर्मी भी काफी ज्यादा हो जाती है, इस वजह से अगर ये बिस्तर वगैरह बना के रखे हूँ तो सर्दियों के शुरू में फिर टेंशन नहीं बनती, तो इंसान आसानी से जब छत्ती वगैरह लगे तो बिस्तर निकाल लेते हैं, अगर बनाए ना हो फिर कहाँ से निकाल लेते हैं। छोटे थे इन्होंने काफी बिस्तर गंदे किए हुए थे, तो अब मैंने सारे एक दफा साफ सुथरे किए हैं, इसलिए रूम वगैरह भी धो के सारा कुछ वो पंजा के रखा है, सराने वगैरह भी नए और ये पलाइयाँ रजाइयाँ जो भी हैं ये सारी नई बनानी है। अब बच्चे कुछ बड़े हो गए हैं इसलिए, क्यों पहले छोटे थे तो डेली कभी बीमार हो जाते थे, कभी ऊपर उल्टियाँ तो कभी पेचाब वगैरह दिखा ही देते थे, कितनी वगैरह इंसान पैम्पर वगैरह इस्तेमाल करें या शीटें वगैरह तो छोटों बच्चों का नहीं पता चलता। अब इसीलिए बड़े हो गए तो कहा एक दफ़ा साफ बिल्कुल कर लें। तो ये कवर ऊपर वाले सिलाई करती हूँ पहले, साथ साथ अपने बहन भाइयों को भी दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और बिस्तर सिलाई का ऊपर वाला कवर सिलाई कर रही हूँ मैं तो। मीन रजाई किस तरह की लेनी है? रेड जैसे ना लीजिए। हैं? जैसे ना लीजिए। नहीं लेनी है। हैं? आ। आ। पक्का बंद कर पहले। ये कवर भी मैंने सिलाई कर लिया है, अब इसे करती हूँ सीधा। दो कवर पहले सिलाई किए हैं, ये भी कर लिया है। मैं इसे करती हूँ सीधा। ये रजाइयों का कवर तो सिलाई कर लिया है, अब रह गई हैं तलाइयाँ। ये रजाइयों का कवर सिलाई हो गए हैं, ये तीसरा कवर था क्योंकि तीन ही रजाइयाँ बनाई हैं, बाकी रह गई हैं तलाइयाँ। अब तलाइयाँ रह गई हैं, तलाइयाँ भी सिलाई कर देती हूँ। इसकी लगा रखती हूँ अब उठ के तय लगा के। बेटा सेट क्यों, सारी चीजें क्यों क्यों खुलो रहे हैं? छोड़ दो इधर से, मैं खुद कर लेती हूँ। अच्छा बच्चा है कबीर मेरे साथ हेल्प कर रहा है। ये सारे खिलौने क्यों बैग से निकाल के रखे हैं बेटा? किस तरह गंदे रहते हैं? कप भी रखा हुआ है, कप भी साइड पे रखो ना। चादरें भी सारी आपने इकट्ठी कर दी है ना, चार पाई से ये चादरें भी
हो गई ना ते ओ तलाइयां रह गई तलाइयां तक पाओ नहीं पे तेरी रजाइयां ए किन तलाइयां ने हैं तलाइयां ने अरजाइयां ना अरजाइयां जड़ा ओ पीस पूसा का ओ दे मानने ना हां इना दी कटिंग करके ते नाप के सिलाई करनी है मैं थोड़ी हेल्प करूंगा वाई तो मनु एडियल तो सी के सुबह आके मम्मा री किना दिन नो मेरे काट देनी पे ता वासे जल्दी करी है चलो नानी कहती पे जो थोड़ा थोड़ा बच्चे का ना उन्हें पीस पीस करके ऐसा गोल गोल को ऐसा ना गो ऐ देखो मम्मा ऐ जिस तरह ऐसा करके ना ऐसा जी सीधी लैनी ओ मेरा इस तरह जरा जाता है ना सीधा फिर उन्हें जरा अगे जाता ओनू इस तरह कर लीए ये तलाइयों का कपड़ा ही मैंने काट लिया साइड पे जो बॉर्डर था वो उतार के साइड पे कर दिया ये थोड़ा थोड़ा डिजाइनिंग इस तरह की ये बॉर्डर बना हुआ है जो एक साइड पे ये आएगा और इस तरह दूसरी साइड पे इधर भी ये आएगा ये कुछ इस तरह की बनी है ये तलाइयाँ भी काफ़ी प्यारी लग रही हैं अब ये डिजाइनिंग इस तरह के फूल वगैरह जो हैं जो सिंधी के फूल जिस तरह बने होते हैं कढ़ाई में उसी तरह है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है और इधर मेरे बच्चे बैठ के तकरीबन जोर का टाइम हो रहा है तो कबीरा सपारे को इस तरह नहीं करते सीधी तरह पढ़ो सीधी तरह पकड़ो ना हाथ में इस तरह नहीं जो कबीर बेटे ने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना तो ये सीधी तरह अभी बैठ के पढ़ता नहीं है समीर बेटा माशाल्लाह ये सीधा बैठ के पढ़ता रहता है उसे अरबी का कुछ पता चल गया इसे अभी कुछ नहीं पता चला चलो चलो बेटा अभी मैम आप भी पढ़ो और कबीर बेटा आप भी सीधे होके पढ़ो सीधे होके बैठो ये नीचे इधर मैंने मशीन रखी हुई है इधर ही मेरे पास बैठ गए हैं और सब कुछ याद कर रहे हैं ये एक तलाई सिलाई कर ली है अब दूसरी करती हूँ ये तलाइयाँ भी मैं सिलाई करके रख रही हूँ रजाइयाँ भी उन्होंने ना इन्होंने एक दफ़ा थोड़ा जहा धो दी है कि माया वगैरह उतर जाए इन्हों की निकल जाए बाहर ये काम मेरा ख़त्म हो गया है हूँ अम्मी जी हूँ कहते कि एक दफ़ा थोड़ा जहाँ इन्होंने धो लें कि माया जी निकल जाए बिल्कुल मुलायम कूलियाँ हो जाए तो हूँ इन्होंने पहले धो लें मशीन में कपड़े पहले बच्चों के पाते बाद पाँदी रजाइया के कवर तो कलाइया के बच्चे नहाते पे ये थी हमारी आज की वीडियो जिन बहन भाइयों को पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त अल्लाह हाफिज़ और मेरे काम की हौसला अफजाई करना अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करना और शेयर भी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।